So we are starting today's lecture with colligative properties. So in previous lectures we have already done about solutions. हमने solutions और उसके concentration देखे हैं. हमने even moles का formula देखा था. Now we are about to learn about colligative property. अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, फिर वी कैन लर्न कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रीटी नाइसली. तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ सॉल्यूशंस. ये सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है. मतलब तुम नॉर्मल अल्कोहल लेके बोल नहीं सकते कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तुम नॉर्मल यूरिया लेके नहीं बोल सकते इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या पानी लेके नहीं बोल सकते इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस का होता है. मतलब मैंने पानी में नमक डाला तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, मैंने पानी में यूरिया डाला या अल्कोहल डाला तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा. अभी बिफोर अंडरस्टैंडिंग की व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेट मी गिव यू सम नेम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सिर्फ चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है. मतलब जैसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टी है ना, वैसे देर आर सम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देर आर ओनली फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कौन से हैं वो? So as I was saying, there are only four colligative property. सिर्फ चार colligative property होती है. Lowering of vapor pressure, that is given by delta P. Delta मतलब हमारा difference होता है कि पहले कुछ vapor pressure था, अब कुछ vapor pressure है. तो final minus initial या initial minus final, whatever is bigger, उसके basis पे हम लोग बोलते हैं delta P. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टी. बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है तो उसके डिफरेंस को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डेल्टा टी. अब ये दोनों डेल्टा टी है तो दोनों को सिर्फ डिस्टिंग करने के लिए इधर मैं नीचे एक नीचे रखूंगा बी, तो बी बताएगा ये बॉइलिंग पॉइंट का, और इधर मैं रख दूंगा एफ, तो एफ बताएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट का, और ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई. तो सिर्फ यही चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और ये चारों प्रॉपर्टी सोल्यूशन के. अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में होता क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर. दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर. नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट. सॉल्यूट लिखा है मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है. नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर. बहुत कम चीज होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और क्वालिटी पे नहीं. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ये जो नंबर पे डिपेंड करता है और वो क्वालिटी पे, नेचर पे नहीं डिपेंड करता. एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर. किसका नेचर? सॉल्यूट का नेचर. तो ये प्रॉपर्टीज नंबर पे डिपेंड करती है. मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. अब अगर मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, ये है तुम्हारे पास सॉल्यूशन ए एंड ये है तुम्हारे पास में सॉल्यूशन बी. अब दोनों में तुमने 100 ml पानी डाल रखा है. दोनों में तुमने क्या किया, 100 ml पानी डाल रखा है. तो यू हैव 100 ml ऑफ वाटर इन बोथ. इसमें 100 ml, इसमें भी 100 ml. अब इसमें इन दिस ए यू हैव एडेड 1 mole ऑफ KCl. 1 mole ऑफ KCl. हियर यू हैव एडेड 1 mole ऑफ KNO3 या NaNO3 ले लेते हैं. देखो मैंने तो अलग सॉल्ट डाला है दोनों में.
ए में भी मैंने अलग सॉल्ट डाला है, बी में मैंने अलग सॉल्ट डाला है, इधर मैंने KCl का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है ए में, और बी में मैंने NaNO3 का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, बट इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगा, मतलब इन दोनों का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम रहेगा, इन दोनों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टी है और नंबर सेम है। दोनों में मैंने क्या किया है, 100 ml पानी में मैंने 1 mole सॉल्यूट डाल रखा है, तो दोनों में मैंने वॉल्यूम सेम रखा था और दोनों में मैंने मोल्स भी सेम रखा है, ठीक है, और सॉल्ट भी दोनों एक तरीके का ही है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों का नंबर सेम है, इधर जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है, डजंट डिपेंड ऑन द नेचर, डिपेंड नहीं करता कि ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर, उसको नेचर से कोई लेना देना नहीं है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के नंबर पे नहीं, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड होना चाहिए। तो हम लोग ये चैप्टर में एक एक करके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब अभी जब मैं तुमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर लोअर क्यों होता है, फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे करते करते वी हैव टू सी ऑल द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं तुमको दो और पॉइंट बचा है यहाँ पे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट। अभी अगर मैं चौथे वाले को छोड़ दूं, अगर मैं पहले तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखो, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये तीनों को देख के ऐसा लगता है कि मैं कुछ कंपेयर कर रहा हूँ। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले था कुछ वेपर प्रेशर, अब लोअर हो गया, अब कम हो गया, और ये जितना लोअर हुआ वही है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले था कुछ बॉइलिंग पॉइंट, अभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो ये जितना बढ़ा है दैट इज डेल्टा टी। पहले था कुछ फ्रीजिंग पॉइंट, अभी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, तो अभी कम हो गया है तो उसका डिफरेंस रहेगा डेल्टा टी एस। तो मतलब पहले तीन को देख के ऐसा लगता है कि मैं कुछ कंपेयर कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग समथिंग एंड आई एम कंपेयरिंग समथिंग, ठीक है, ये तीनों चीज को देख के लग रहा है कि मैं कुछ कंपेयर कर रहा हूं एंड वी आर कंपेयरिंग समथिंग, एंड जैसे कि मैंने तुमको पहले ही पॉइंट में बोला था, दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ सॉल्यूशन, सो व्हाट आर वी कंपेयरिंग। तो नाम देख के लगता है कि मैं कुछ कंपेयर कर रहा हूं, और एंड यस वी आर कंपेयरिंग समथिंग, वी आर कंपेयरिंग योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं। मतलब क्या, मैंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंपेयर किया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आया 760 mm ऑफ Hg, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया, जब तक सिर्फ सॉल्वेंट था तब तक वो सिर्फ सॉल्वेंट था वो, और मैंने जब सॉल्यूट डाला उसमें तो वो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूट डालने के बाद में उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर केम टू बी 700 mm ऑफ Hg, तो सॉल्यूट डालने के बाद में वेपर प्रेशर कम हो गया, तो जो कम हुआ है उसी को तो बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्यों कम हुआ कैसे बाद में देखेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, दैट इज वी आर कंपेयरिंग सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज एंड वी आर कंपेयरिंग सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट डालने के पहले, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट डालने के बाद में, तुमने पानी लिया सॉल्वेंट है, उसमें तुमने शक्कर डाल दिया तो शक्कर सॉल्यूट है, तो फिर वो सॉल्यूशन बन गया। तो मैंने पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया और मैंने शक्कर और पानी का जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, मैंने पानी का फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया, मैंने शक्कर और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया, तो वी आर कंपेयरिंग योर स्टफ और वी आर कंपेयरिंग सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। व्हाई इज दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट से तुम तीन फॉर्मूला बाय हार्ट कर सकते हो,
बिना कुछ समझे बिना कुछ सीखे तुमको पता ही नहीं है कि वेपर प्रेशर क्या है, क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यू हैव नो आइडिया. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट यू कैन बाय हार्ट, यू कैन रिमेम्बर थ्री फॉर्मूलाज, तीन फॉर्मूलाज तुमको कॉलिगेटिव के ऐसे याद हो जाएंगे. हमेशा याद रखना कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इन द फर्स्ट केस मैं प्रेशर कंपेयर कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर. और सॉल्वेंट वाला ना हमेशा हम नॉट लगाते हैं, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब भी बोलेंगे ना तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट आएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट आएगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट आएगा. मतलब डोंट थिंक कि सेम ही रहेगा या अलग अलग रहेगा. सॉल्यूशन का जब कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट टी रहेगा. तो सॉल्वेंट में हम लोग नॉट लगाते हैं. तो चलो फॉर्मूला देख लेते तीन फटाफट, नाम के बेसिस पे तीन फॉर्मूला हम कंपेयर कर रहे हैं सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को. तो देखो पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला नंबर वन, इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी. तो पहले कुछ वेपर प्रेशर था, अब वेपर प्रेशर कम हो गया. तो सॉल्यूट डालने के पहले तो सॉल्वेंट था, सॉल्यूट डालने के बाद में सॉल्यूशन है, बराबर. मतलब सॉल्यूट डालने के पहले जब सॉल्वेंट था तब वेपर प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया वेपर प्रेशर कम हो गया. क्यों कम हुआ पता नहीं लेकिन कम हुआ. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना इधर, पी नॉट माइनस पी, बड़ा माइनस छोटा ना, तो पी नॉट बड़ा है, तो फॉर्मूला इधर क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी. अभी अगर मैं फॉर्मूला नंबर टू बोलू तो वापस नाम से पता कर सकते हैं, नाम का क्या दिया है, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग इंडिकेट करता है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बढ़ना. तो पहले सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेट्स से इज टी नॉट, सॉल्यूट डालने के वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बन गया टी. तो जो डिफरेंस है वो है डेल्टा टी बी, तो बड़ा क्या है इधर टी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टी माइनस टी नॉट. थर्ड वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला नंबर थ्री, डेल्टा टी एफ. थर्ड फॉर्मूला इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब कम होना. तो पहले कुछ फ्रीजिंग पॉइंट था टी नॉट, सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका हो गया टी. तो इधर भी फॉर्मूला क्या आएगा, टी नॉट माइनस टी. तो सिर्फ नाम के बेसिस पे हमने तीन फॉर्मूला जज कर दिए. ओके, वन मोर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, दैट इज कि जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में टू मेक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो वो जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल भी होना चाहिए. नॉन वोलेटाइल क्यों होना चाहिए वो थोड़ा टाइम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. क्यों नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोसिएट नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोसिएट होगा. अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, मतलब मैंने NaCl लिया सॉल्यूट के तौर पे, तो नंबर चेंज हो जाएगा. मतलब मैंने बीकर में किन के वन मोल ऑफ NaCl डाला, वन मोल ऑफ NaCl, और वन मोल ऑफ NaCl के बेसिस पे मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट किया कि वन डिग्री होगा, लेकिन वो बीकर में जाने के बाद वन मोल ऑफ Na आयन बन गया एंड वन मोल ऑफ Cl आयन बन गया. So when one mole of NaCl is dissociated, it is going to give you one mole of Na plus and it is going to give you one mole of Cl minus ion. So you will now have double the number of ions. Pehle ek mole of NaCl molecule tha, ab ek mole of Na plus ion hai aur ek mole of NaCl minus ion hai. Theek hai?
नंबर चाहे वो एक मॉलिक्यूल हो चाहे वो एक आयन हो, नंबर दोनों का एक ही है, तो नंबर अब डबल हो गया है, तो नंबर हैज डबल्ड नाउ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो मैंने एक डिग्री एक्सपेक्ट किया बट आ नहीं रहा है एक डिग्री, आ रहा है टू डिग्री। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है, और हमने जो एक्सपेक्ट किया वो ऑब्जर्वेशन के साथ में मैच नहीं करता। हालांकि इवेंचुअली अभी इवेंचुअली टॉपिक के एंड तक मैं तुमको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट स्टार्टिंग में जब ये रिलीज हुआ था तब इट वॉज वेरी क्लियर कि वी आर सपोज टू यूज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे यूरिया जो डिसोसिएट नहीं होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनिटॉल, ये सब जो डिसोसिएट नहीं होता है।